हेलो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी 2021 के अटेम्प्ट के लिए। आप में से काफ़ी सारे बच्चों के टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे, काफ़ी सारे बच्चों से मेरी बातें हुई। तो एक चीज़ जनरल जो देखने को मिल रही है वो ये कि बच्चे डरे हुए हैं ना, कॉन्फिडेंस की कमी है, या तो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है या ज़्यादातर बच्चे जिनमें कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी है। तो आने वाले 4 महीने हमारे पास हैं, अभी 120 दिन के आसपास हमारे पास बचे हुए हैं अप्रोक्स। इनको कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे अपने चांसेस को हम डबल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कि हमें सक्सेस मिल जाए, प्रीलिम्स हमारा कवर हो जाए। तो सारे जो एस्पेक्ट हैं हमारी तैयारी के, डायमेंशंस जितनी भी है उनको हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है यूटिलाइजिंग द टाइम, कि टाइम को यूटिलाइज हम कैसे करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया हमारे पास 120 दिन है, 4 महीने हैं, इसको कैसे डिवाइड करते हैं, चलिए देखिए। डिवाइडिंग द टाइम एंड यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली 40-80, हम इसको स्प्लिट करेंगे टाइम को, 120 दिन को, या तो आप मान के चलिए 30 और 90, 30 और 90, या फिर मान के चलिए 40-80, है ना। 40-80 का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, समझिए। 40 डेज जो है उसमें हम क्या करने वाले हैं कि रिमेनिंग हमारा जितना भी सिलेबस है, अगर कोई ऐसा पार्ट है, कोई पोर्शन है सिलेबस का जो आपका रह गया है, आपने अभी तक नहीं पढ़ा है और वो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको अभी के अभी पढ़ लेंगे इन 40 डेज को यूटिलाइज करते हुए, ठीक है ना। करंट अफेयर अगर आपके बचे हुए हैं तो क्या करेंगे, आपने मान लीजिए, हो सकता है आपने तैयारी शुरू की हो सितंबर में, जून या जुलाई में 2020 में, कभी भी की हो, और आपके कुछ आपके जो करंट अफेयर हैं वो छूट गए हैं, या फिर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर के ऊपर आपकी पकड़ थोड़ी कम है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो क्या करेंगे, जनवरी 2020 की जो आपकी मंथली मैगजीन्स है वहाँ से लेके शुरू करेंगे। अभी तक करीब करीब 10-12 मैगजीन्स हमारी, 12 मैगजीन के आसपास हो गई हैं, उनको आप 1 से 2 दिन में एक मैगजीन को फास्ट हाईलाइट करते चलेंगे। आपको बस ये ढूंढना है कि हर एक पेज के ऊपर आपको सिर्फ फैक्ट देखने हैं, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होके आपको चलना है, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट को हाईलाइट करते चलेंगे, ताकि उनको आगे चल के जो आगे के 80-90 दिन है उनमें रिवाइज भी कर सके मल्टीपल टाइम्स। ओके, आपको मेंस के हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर अभी नहीं बना के चलना है, प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे, वो वाला टाइम हमारा आ गया है। कोई बड़ी किताबें, बड़ा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी ना उठाएं कि आप बोल रहे हैं कि हो सकता है आपने बेसिक्स जो है एनवायरनमेंट के वो कहीं से पढ़ लिए होंगे, नोट से या NIOS की बुक से या कहीं और से, और शंकर IAS आपने नहीं पढ़ी है या कोई और बड़ी बुक आपने नहीं पढ़ी है, तो अभी के लिए उसको साइड में रहने दीजिए, उनकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मेजर कुछ, बहुत ज़्यादा मेजर नया अभी अवॉइड करें थोड़ा। 80 डेज को कैसे यूज़ करेंगे, प्रैक्टिस एंड रिकलेक्ट, ठीक है ना। आपके जो उसके बाद के 80 दिन है या 90 दिन है उनको हम कैसे यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और रिकलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो हमारे मॉक टेस्ट हैं उनको हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, और आपने जो अभी तक पढ़ा है, जो आपने नोट्स बनाए हैं या आपने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उसको हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। लर्न द आर्ट ऑफ MCQ सॉल्विंग, तो हमें करना क्या है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने की जो एक कला होती है, जो एक आर्ट होता है, वो हमें यहाँ पे सीखना है। फिर है सी देर इज अ बेस ऑफ नॉलेज एंड देर इज अ बूस्ट इन नॉलेज। ये सिर्फ एक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आने वाला वीडियो में भी क्या आने वाला है उसके बाद मैं आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, एक होता है नॉलेज का बेस जो हर एक बच्चे का बराबर होता है। आपने देखा होगा कि जो किताबें आप पढ़ रहे हैं वही किताबें प्रीवियस ईयर के टॉपर्स ने पढ़ी हैं, सेम वही किताबें हैं, एक दो किताबों की वेरिएशंस होती हैं, बाकी सारी सेम है, फिर भी वो कैसे क्लियर कर गए और बाकी के जो बच्चे थे वो कैसे नहीं करके गए, यहाँ तक सबका सेम ही चलता है, फाउंडेशन बेस सबका सेम है, वही किताबें। अब उसी के ऊपर जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हजारों की संख्या में और आप रिकलेक्ट करते हैं रिवीजन, तो आपकी होती है नॉलेज में बूस्ट, उछाल। तो ये नॉलेज में बूस्ट जिसका आता है वही यहाँ पे प्री को क्लियर कर पाता है, वो कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, इस चीज को भी याद रखना, स्टेटिक इज स्टेटिक, जो स्टेटिक पोर्शन है वो स्टेटिक ही रहेगा, ठीक है ना। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं सेम फाउंडेशन पे, मींस जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन हो गए, आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, उसमें थोड़ा सा करंट अफेयर को मिक्स करके, क्वेश्चन को ट्विस्ट करके एग्जामिनर आपके सामने पेश कर रहा है, फाउंडेशन वही सेम है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं करना क्या क्या है। क्वेश्चन सॉल्विंग द रियल की, असली जो चाबी है ना सक्सेस की, वो है
क्वेश्चन सॉल्विंग। इस बात को याद रखिए, आपने पढ़ लिया, आपने पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट आपने क्लियर किया, बड़ी अच्छी बात है, सारी बुक्स आपने पढ़ी, रिविजन किया, हाईलाइट किया, नोट्स बनाए, वेल एंड गुड। लेकिन असली जो की है, मींस 50% आपका काम हो गया है, उसको 50% मान के चलिए। बच्चे सोचते हैं पढ़ लिया तो 100% हो गया, अब तो सिर्फ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस को जब अटेम्प्ट करने जाते हैं तो पाते हैं कि क्वेश्चंस में 70 क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, 100 में से 60 गलत हो रहे हैं, ओनली 30 40 50 के आसपास ठीक हो पा रहे हैं, 50 तो नहीं 30 40 के आसपास। तो असली जो बात है वो यही है कि 50% काम अभी आपका रह गया है, उसी की वजह से आपको कॉन्फिडेंस अभी नहीं आ पा रहा है, काफी सारे बच्चे डरे हुए हैं, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, बेस्ट रिपोजिटरी ऑफ क्वेश्चंस, सबसे पहले आप पूछेंगे कि सर क्वेश्चंस कहां से लेके आए, प्रॉपर जो एक क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी के लेवल को मैच करता हो, है ना, तो वो सबसे पहले तो आपके प्रीवियस ईयर के, मैं आपको सलाह दूंगा प्रॉपर 20 साल के क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि सर 2001 में 5 में जो पेपर हुए थे उससे तो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, इवोल्व हो गया है यूपीएससी। ऑब्वियसली बात है वो तो इवोल्व होता ही रहेगा, लेकिन मैंने जैसे बताया फाउंडेशन और स्टेटिक तो सेम ही है ना, तो आप क्या करेंगे 2001 से लेकर 2020 तक के प्रॉपर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं विद आंसर की सॉल्यूशंस, उनको आप सोल्व करने बैठेंगे रियल टाइम में। आप यहां पे सोल्व करने बैठेंगे, रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि जैसे एग्जाम हॉल में बैठ के आप पेपर सोल्व करते हो वैसे ही बैठेंगे, अपना टेबल पे जाएंगे, आराम से 2 घंटे का एक अलार्म सेट करेंगे, आप टाइमर सेट करेंगे और अपने क्वेश्चन आपको सीरियसली एग्जाम के तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। जब आप देखेंगे कि 2001 से 2020 पे आप आओगे एनालाइज करते करते, उस टाइम आप देखोगे आपकी नॉलेज का लेवल अलग लेवल पे जा चुका है। और इसमें आपको करने में कितने दिन लगेंगे, अगर आप डेली 2 पेपर सोल्व करते हैं तो 10 दिन, 1 करते हैं तो 20 दिन, आपका नॉलेज का लेवल अलग लेवल पे जाएगा। एग्जामिनर को आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाओगे कि कैसे वो 2001 में बना रहे थे, 5 में, 10 में, 15 में और 20 में कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। उसी का फायदा उठाते हुए आप एक काम और कर सकते हैं, जब आप एग्जामिनर को जान जाओगे तो आप प्रिडिक्ट ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो कि एग्जामिनर का मूड क्या है, वो कहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं आजकल, क्या चल रहा है उनके दिमाग में, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप अपने रिविजन को, इसके बाद का जो आपका रिवीजन का जो दौर है 80 दिनों का, उसमें आप अच्छे से अलाइन कर पाओगे अपने रिवीजन को, उसी हिसाब से रिवाइज कर पाओगे जैसे आपको नॉलेज नई वाली मिली है एग्जामिनर वाली, ठीक है ना। लर्न द आर्ट ऑफ सॉल्विंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड हाउ टू हैंडल देम विद स्पीड, है ना, कला सीखनी है। हमारे यूपीएससी में 4 से 5 तरीके के जो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, मींस किसी में सिर्फ एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन की टाइप डिपेंड करती है उसके आंसर्स के ऊपर, ठीक है ना, ऑप्शंस कैसे दिए हैं, कहीं पे दिया हुआ है कि 1 2 3 ठीक है या 3 2 4 ठीक है ऐसे करके वो हो गए, कहीं पे दिया हुआ है कि कोई सिर्फ एक ही ठीक होगा, है ना। तो अलग अलग तरीके के हमारे क्वेश्चंस हैं 4-5 तरीके की, अगर वो आप बोलेंगे तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में सोल्व करके दिखाऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, उसके लिए आप कॉमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो आपको वो आर्ट, वो कला सीखनी है, हाउ टू हैंडल, हैंडल कैसे करते हैं उन क्वेश्चंस को, कितनी भी नॉलेज ले लो आप अगर उस नॉलेज को अप्लाई करना नहीं आया, समझ रहे ना, उसको आपको अगर इंप्लीमेंट नहीं करना आया तो क्या फायदा। तो ये आप यहां पे उस नॉलेज की एप्लीकेशन सीख रहे हैं हैंडल करना, और हैंडल जब आप बार बार एक चीज को करोगे तो आपकी आएगी स्पीड, इस चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। बूस्ट योर नॉलेज, इससे आपकी नॉलेज भी बूस्ट हो रही है। ऑब्वियसली बात है जब आपने 70 क्वेश्चन गलत किए, 60 या 50 क्वेश्चन गलत किए, तो जितने भी गलत किए उतने ही आपको सीखने को मिला। आपने मान लीजिए पेपर दिया उसमें आपके 64 क्वेश्चंस गलत हो गए, ठीक है, 64 नई चीजें आपको जानने को मिलेगी, ये आपके लिए यहाँ पे नॉलेज बूस्ट का काम करेगा। तो करना क्या है, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके सॉल्यूशंस को पढ़ना है, लर्न दी सॉल्यूशंस प्रॉपरली, अच्छे से उसको पढ़ना है, आपने जो स्टैटिक पोर्शन पढ़ा था उससे उसको मैच करके देखना है, एक्टिवली पढ़ना है, ये नहीं बस पढ़ लिया नाम चारेगा, वो नहीं करना है, वरना फिर उम्मीद छोड़ दीजिए, है ना। हाईलाइट एंड देन रिवाइज इन नाइट, उसको हाईलाइट कर देंगे उसमें सॉल्यूशन में मेन मेन जो चीजें दी हुई है और उनको नाइट में रिवाइज करके सोएंगे, ये हो गया आपका नॉलेज बूस्ट। डू नॉट बोदर बाय मार्क्स, तो जो नंबर आते हैं आपके 50 नंबर आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं या कितने भी आ रहे हैं, उससे आपको बोदर नहीं होना है, उससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना। यू विल सी एन इमेंस बूम, आपको काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलेगा
जब आप पाएंगे कि जब आपने पहले दिन शुरू किया था 80th डे पे और आप देखेंगे 40th डे पे, मतलब कि 40 दिन बाद आपकी जर्नी के बिल्कुल मिड में आप कितना ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं, कितनी आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, कितना स्पीड में क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, कितना आपका दिमाग यहाँ पे इवोल्व हुआ है क्वेश्चंस के साथ। फिर 40th से 10th डे पे जब आप आओगे तब आपको और ज्यादा यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। अब बच्चे क्या करते हैं कि शुरू करेंगे, मान लीजिए स्ट्रेटेजी को देख के 2-3 दिन लगाएंगे, 4 दिन लगाएंगे, फिर से अपने ख्याली पुलाव में, अपनी ही दुनिया में दिमाग के अंदर घूमेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ उलट पुलट सोचते रहेंगे, लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। आपको एक्शन लेना है, कम से कम अगर आपको यहाँ पे एक रिजल्ट चाहिए, एक सब्सटेंशियल रिजल्ट चाहिए, आपको देखना है कि क्या हो रहा है, तो कम से कम 40th डे तक तो जाइए, किसी चीज को 20-30 दिन तक तो कीजिए, तभी तो आपको पता चलेगा ना। फिर है मोर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे लेके आएंगे, ये तो हुए सिर्फ आपके हो जाएंगे 10 से 20 दिन में सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। मोर क्वेश्चंस कहाँ से लेके आएंगे, तो देखिए प्रीवियस ईयर की जो मॉक सीरीज थी, जो टेस्ट सीरीज थी आपके वेबसाइट्स की या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वो आप ले सकते हैं, आपको इंटरनेट पे फ्री में भी मिल जाएगी प्रीवियस ईयर्स की, या आपको टेलीग्राम ग्रुप वगैरह पे मिल जाएंगी, वहाँ से ले सकते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, इन्वेस्ट आपको ये करना भी चाहिए, 5,000 से 8,000 रुपये के आसपास में सभी जो बेहतरीन आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं या वेबसाइट्स हैं उनकी सीरीज यहाँ पे आती है, जिसमें 40-50-100 के आसपास आपके पेपर्स होते हैं, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा। ओके, अब करना क्या है इस 80 दिन में वो समझिए। देखिए जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ वो क्या है वो समझिए, जिससे आपके चांसेस, अब मैं यूँ कहूँ 100% तो वो तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, लेकिन लिटरली 100% ही मैं कह रहा हूँ आपकी सक्सेस के चांस यहाँ पे हैं। देखिए 80 डेज में आपको क्या करना है, आप डेली 2 पेपर सोल्व करेंगे अगर 80 डेज में, तो आपके टोटल हो गए कितने, अराउंड 160 पेपर। उसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीब हो गए 15,000-16,000 के आसपास आपके क्वेश्चन आपने सोल्व कर लेने हैं इतने दिनों में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 160 में से 10 से 20 पेपर आपके रहेंगे सी सेट के, अकॉर्डिंग टू आपका सी सेट में क्या स्कोर आता है, आपका क्या लेवल है, उस पर डिपेंड करेगा। ज़्यादा कमजोर है तो 20 या 30 भी लगाने पड़ सकते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो सिर्फ 10 में भी आपका काम चल जाएगा, है ना। और आपको जीएस के जो जनरल स्टडीज़ के आपको पेपर देने हैं, जो अटेम्प्ट करने हैं, वो है आपके अराउंड 140-150 के आसपास। तो टोटल आपने क्वेश्चन सोल्व किए 15,000 से 17,000 के आसपास। अब मुझे ये बताइए 15,000 से 17,000 क्वेश्चंस, उससे पहले आपने बेस अपना पूरा बना लिया था, पढ़ लिया था, 15,000 से 17,000 क्वेश्चंस आपने यहाँ पे सोल्व किए हैं, आपकी क्या तो स्पीड ही होने वाली है, क्या आपका लेवल होने वाला है क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके पास यहाँ पे होने वाली है, पर्सनली आपकी खुद की ट्रिक्स है ना वो आपके पास होने वाली है, और कितनी आपने नॉलेज बूस्ट की होगी। उदाहरण के लिए मान के चलिए आपने 15,000 में से 5,000 क्वेश्चन ठीक कर दिए होंगे, 10,000 आपने गलत किए होंगे, तो 10,000 नई चीजें आपको सीखने को मिली, तो आपका लेवल आप यहाँ पे जान सकते हैं क्या होने वाला है। फिर देखिए You just study for 3 to 4 years versus you solving 15K questions. हम अगर comparison करें कि आप 3 से 4 साल या 5 साल सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे थे, जैसे बच्चे करते हैं जो गलती करते हैं, attempt देते रहते हैं बार बार और उनका हो नहीं पाता है, आप 3 से 4 साल 5 साल तक सिर्फ पढ़ रहे थे, एक बच्चा आएगा जो सिर्फ एग्जाम से 6 महीने पहले 8-10 महीने पहले सिर्फ तैयारी शुरू करेगा, वो जॉब भी कर रहा है या फिर वो कॉलेज में भी जा रहा है, थर्ड ईयर में है, वो कोई कोचिंग भी यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहा है, फिर भी वो यहाँ पे पेपर को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर जा रहा है, उनकी स्ट्रेटेजी यही है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस वो यहाँ पे सोल्व करते हैं। इस चीज को आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, तो आपकी कई सालों की तैयारी और सिर्फ इतनी तैयारी बराबर का काम करती है, क्योंकि ये तरीका सही है। ये बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक मंजिल पे आपको पहुंचना है, 10 किलोमीटर वो दूर है, एक बच्चा घूमता घूमता जा रहा है, वो 10 दिन में पहुंच रहा है, उसने अपनी जर्नी को घूम घूम के 100 किलोमीटर बना लिया, और एक बच्चा डायरेक्ट सीधा 10 किलोमीटर वहां पे चला गया। तो ये डिपेंड करेगा टोटली आपकी अप्रोच पे, आपके एटीट्यूड पे। फिर देखिए रियल रिवीजन क्या होता है, अब बात करते हैं रिवीजन के बारे में। क्वेश्चंस के बारे में मैंने बता दिया, डे को कैसे यूटिलाइज करना है अपने पूरे टाइम को वो मैंने बताया, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए टाइम ऑफ रिवीजन, ठीक है ना। ये आपके जो 80 दिन है ये रिवीजन का भी टाइम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दिन को 3 ब्लॉक में डिवाइड करेंगे आप। 3 ब्लॉक कैसे, मान लीजिए आपका एग्जाम जो होता है वो होता है अराउंड 9 बजे सुबह, 9 से 11 या 9:30 से 11:30, और उसके बाद 2:30 से 4:30, है ना,
तो उसी टाइम पे आप क्या करेंगे, पेपर देंगे। ये हो गए आपके दो ब्लॉक, और तीसरा ब्लॉक आपका होगा सिर्फ रिविजन्स का। ज़्यादा नया नहीं पढ़ेंगे 80 दिनों में, अभी पढ़ सकते हैं 30 से 40 दिनों में। तो क्या करेंगे, टेक अ मार्कर, हाईलाइट द फैक्ट्स इन बुक्स एंड इन योर नोट्स। अभी आपने जो नोट्स बनाए हैं और जो बुक्स में आपने हाईलाइट किया है, जो भी किया है, अब आपको अपनी अप्रोच ज़्यादा प्री ओरिएंटेड करनी है, तो आप क्या करेंगे, एक दूसरे कलर का मार्कर या पेन लेंगे अंडरलाइन या हाईलाइट करने के लिए, और आप तुरंत हाईलाइट और अंडरलाइन करते जाएंगे ज़्यादा फैक्ट्स की तरफ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे चीज़ों को याद कर सके, पिन पॉइंटेडली एक एक छोटे छोटे वर्ड्स को याद कर सके। इस अप्रोच से आपको चलना है, ठीक है ना। मेक श्योर करना है कि 80-90 दिनों में कम से कम 3 रिविजन आपके हो जाए। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे रिविजन करते हैं और आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी पढ़ाई करने के टाइम पे, और आपके नोट्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, और आपने जो हाईलाइट किया है वो भी ये नहीं कि पूरी बुक को ही हाईलाइट कर दिया, आपने ठीक ठाक प्रोपोर्शन में हाईलाइट किया है, तो आप आराम से पूरे सिलेबस को, पूरी बुक्स को एक महीने में इजिली डेली 4 से 5 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। ओके, डू मोर एंड मोर एक्टिव रिविजन, नॉट पैसिव। सबसे बड़ी गलती यही है बच्चों की, कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं आता है, किताब खोल के बैठ जाते हैं और दिमाग को बिल्कुल यूज नहीं करते, सिर्फ पैसिव यहाँ पे रिविजन या लर्निंग करते हैं। मीन्स ये लिखा हुआ है, ये एक बुक है, और सीधा बस पढ़ते चले गए, जो हाईलाइट किया है उसको पढ़ लिया। ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। जब तक मेंटल मसल्स को इस्तेमाल नहीं करोगे, जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे याद करने के लिए, दिमाग पे प्रेशर नहीं करोगे कि क्या था क्या था क्या पढ़ा था, उस चीज को रिकलेक्ट नहीं करोगे, रिकॉल नहीं करोगे दिमाग के अंदर, मीन्स एक्टिव लर्निंग नहीं करोगे, तब तक फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके साथ आपका दिमाग ही सिर्फ जाने वाला है, वहां पे भी आपको दिमाग से ही रिकलेक्ट करना है, तो बेहतर रहेगा इन 120 दिनों में वो आप स्ट्रेटजी बना ले अपनी, है ना। पैसिव लर्निंग छोड़ दीजिए अब, तो पुट योर मेंटल मसल्स टू वर्क थ्रू रिकॉलिंग। तो क्या करना है, अपनी मेंटल मसल्स को काम पे लगाना है रिकॉलिंग के जरिए। अब देखिए कुछ बातें हैं जनरल सी, आपको याद दिला देता हूं समझने के लायक, ताकि आप सही तरीके से 120 दिन तक चलते रहें। दिस इज द हाई टाइम टू अलाइन योर हैबिट्स एज पर द एग्जाम, ट्रेन योर ब्रेन टू वर्क एंड फॉर एफिशिएंसी फॉर द एग्जाम डे। आपकी कोई हैबिट होंगी, आप हो सकता है रात को पढ़ते हो, दिन में सोते हो, या जो भी है, अब आपको करना क्या है कि जो आपके एग्जाम का टाइम है उसी हिसाब से अपनी दिनचर्या को आपको अलाइन कर देना है। ऐसा ये सोच के मत चलना कि लास्ट के एक महीने में कर लेंगे, नहीं हो पाएगा, 3 महीने पहले करेंगे तब जाके कहीं आपका ये अच्छे से अलाइन हो पाएगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपका एग्जाम 9 से 11 है मान लीजिए, तो 9 से 11 आपको अब क्या करना है, डेली क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ताकि आपकी एक हैबिट बन जाए, आपके दिमाग को पता रहे कि इस टाइम पे पर्टिकुलर मैं ये काम करता हूँ। आप जो काम रिपीटेडली डेली जिस टाइम पे करते हैं ना, दिमाग अपनी हैबिट उसी हिसाब से बना लेता है। तो अभी आपको क्या करना है, रात को सोइए टाइम से 10-11 बजे के आसपास, सुबह उठ जाइए 5-6 के आसपास, जो भी आपका स्लीप कोटा है, जितने घंटे आप सोते हैं उस हिसाब से, और फिर जो क्वेश्चंस आपको जो अटेम्प्ट करने हैं वो प्रॉपर आपको एग्जाम के टाइम पे ही करने हैं, वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा अच्छे से पढ़ा था, रिवाइज किया था, खूब मेहनत की थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि लास्ट के एक महीने में अपनी हैबिट को हम एग्जाम के हिसाब से बना लेंगे, लेकिन वो नहीं बना पाए। वो उस टाइम पे सोते थे, जो एग्जाम का टाइम होता था उस पे वो सोते थे एक महीने पहले तक, और फिर उनका दिमाग इतनी जल्दी नए रूटीन को अडेप्ट कर ही नहीं पाया। तो रिमेंबर, इफ यू हैव स्टडीड लेस, स्टिल ग्रेटर चांसेस फॉर यू आफ्टर सॉल्विंग 15-17 के क्वेश्चंस। याद रखिए, अगर आपने कम भी पढ़ा है तो भी आपके ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने के, अगर इन 120 दिनों में आप इतने क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। क्यों है चांसेस, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, बार बार बताने का फायदा नहीं है। यू मे लैक कॉन्फिडेंस बिकॉज टिल नाउ यू डिड पैसिव लर्निंग, डू एक्टिव लर्निंग नाउ टू गेट द कॉन्फिडेंस। अभी तक आपको कॉन्फिडेंस इसीलिए नहीं, आप सोचते हैं कि यार मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, सारी किताबें पढ़ ली, हाईलाइट भी कर दिया, नोट्स भी बना लिए, फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप पैसिव लर्निंग कर रहे थे। आंखें बंद कीजिए, एक एक पेज उठाइए, बुक उठाइए, जो भी आपने पढ़ी है देखिए यहाँ पे क्या था, मन में उसको रिकॉल कीजिए, अपने दिमाग के अंदर रिकॉल कीजिए, हाथ रख के रिकॉल कीजिए कि क्या पढ़ा था। नहीं आता है तो उसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर उसको दोबारा से ऐसे ही रिकॉल कीजिए, ढंग से रिकॉल करना है, रिकलेक्ट करना है। यू हैव अ परफेक्ट स्ट्रेच ऑफ टाइम, 4 months आर इनफ, ठीक है ना। देखिए 4 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका प्री भी नहीं हुआ है, ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ अभी 6 महीने पहले तैयारी शुरू की होगी, सितंबर में या अक्टूबर में या अगस्त में, और वो उनके पास भी अभी 4 महीने बचे हैं, थोड़ा ही 6 महीने से पढ़ते आ रहे हैं, वो फिर भी उसको क्लियर
कर जाएंगे, ठीक है ना। तो परफेक्ट टाइम है, टाइमिंग की कोई कमी नहीं है। उसके बाद है मेडिटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट वाई, समझिए इस बात को। बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। मैं यहाँ पे कोई आपको आध्यात्मिक लेसन नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई बाबा या कोई गुरु नहीं हूँ। मेडिटेशन दिमाग के लिए होता है, ना कि कोई इसका अध्यात्म से या किसी चीज़ से लेना देना है, ठीक है ना। क्यों करना है आपको मेडिटेशन? आप जब क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आपको डिकोड करना होता है। आपकी क्वेश्चंस को डिकोड करने की क्षमता क्या है उस पर डिपेंड करेगा आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे या नहीं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में आपको जीरो नॉलेज होती है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, फिर भी आपकी डिकोड करने की क्षमता के चलते हुए आप उसको इजिली सोल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। डिकोड कैसे कर पाएंगे? जितना ज्यादा उसके अंदर घुस पाएंगे, मीन्स कितनी ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस है। और कंसंट्रेशन और फोकस कहाँ से आता है? मेडिटेशन से। तो आपकी मर्जी है, 3 से 4 महीने अगर करेंगे तो आपको हैवी हैवी फायदा यहाँ पे मिलने वाला है मेडिटेशन से। ईट सुपर लाइट फूड, यहाँ पे आपको क्या करना है, बहुत हल्का खाना खाने की कोशिश करनी है। अगेन, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ, कोई फिटनेस गुरु नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको जनरल बात बता रहा हूँ एज अ ह्यूमन बींग, है ना। सीधी सी बात है, जब आप हैवी फूड खाते हैं वो आपके लीवर में जाता है, तो आपका लीवर, जितनी भी आपकी ऑक्सीजन है, क्योंकि उसको भी ऑक्सीजन चाहिए फूड को पचाने के लिए, तो ब्रेन की तरफ जो ऑक्सीजन जा रही थी, हार्ट की तरफ जो जा रही थी, या बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में जा रही थी, उसको अपनी तरफ लेगा, ठीक है। दिमाग को ऑक्सीजन मिलेगी नहीं 2 घंटे तक, क्योंकि खाना डाइजेस्ट हो रहा है लीवर में, और दिमाग आपका लेजीनेस में रहेगा, स्लगिश रहेगा। तो उस चीज़ से आपको बचना है। ऐसा फूड मत खाइए जो आपकी एनर्जी को लूट ले आपसे, ऐसा फूड खाइए जो आपको एनर्जी दे। मींस आप यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, घर के खाने पे थोड़ा कम फोकस करेंगे, और बाहर का तो आई होप आप खा ही नहीं रहे होंगे, उसको तो भूल ही जाइए। तो ये हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अलर्ट रहना है, इनर्शिया से बचना है, ठीक है ना। फॉर फर्स्ट 2 डेज, मतलब कि अब आप ये स्ट्रेटेजी देखने के बाद क्या करेंगे, आने वाले 2 दिनों में सी सेट के जो आपके पेपर्स हैं उनको उठाएंगे, प्रीवियस ईयर वाले 4 टोटल आप पेपर यहाँ पे सोल्व करेंगे। आपके पास एक डेटा आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना आ रहा है, उस हिसाब से आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं आने वाले 4 महीने को, या 3-4 महीने जो भी बचे हैं उनको, कि आपको सी सेट को कितना टाइम देना है। अगर आपका स्कोर ठीक ठाक आ रहा है तो आप नॉर्मल उसके बाकी के जो पेपर्स हैं उनको सोल्व करते रहिए, और आपका उसी में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कौन से पोर्शन को आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। 4 पेपर सोल्व करने के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं ना। तो ये आपके पास एक डेटा आ जाएगा, उसी हिसाब से सी सेट की तैयारी आप यहाँ पे प्लान करेंगे कि आपको 10 मॉक लगाने हैं या 30 मॉक लगाने हैं, वो डिपेंड करेगा। व्हाट टू डू इन लास्ट 10 डेज, आखिरी के 10 दिनों में क्या करेंगे? मान लीजिए 27th का एग्जाम है, 26th को तो रेस्ट के तौर पे लेके चलिए, 25 तक क्या करेंगे? 16th ऑफ जून से 25th ऑफ जून तक क्या करेंगे? आप प्रॉपरली एकदम हार्ड वायर होके जो आपका प्रॉपर एग्जाम का टाइम है, जिस टाइम पे जो पेपर होने हैं उसको आपको फॉलो करना ही करना है उस टाइम पे, ठीक है ना। फिर है डू नॉट थिंक एज पर टुडे, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे। आप अभी सिर्फ पढ़ के आए हो, आपने रिवीजन अभी ज़्यादा नहीं किया है, पेपर्स तो आपने ऑफ कोर्स बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किए, 2 से 3 कर लिए होंगे, 4 कर लिए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं किए होंगे। आप अपने आप को जज कर रहे हो अभी तक आपने जो सीखा है, आपका सीखने का टाइम जबकि अभी शुरू हुआ है। सो रियल टाइम ऑफ रियल वर्किंग इज स्टार्टिंग नाउ, अभी आपका काम शुरू हो रहा है, क्या? क्वेश्चंस को सोल्व करने का, ठीक है ना। Now is the time to apply what you have studied. अब वो टाइम आया है कि जो आपने पढ़ा है उसको आप अप्लाई करना सीखेंगे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि अप्लाई आप करेंगे, सीखेंगे अब आप यहाँ पे अप्लाई करना क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करके। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। रिमेंबर दिस एग्जाम इज वेरी मच अबाउट द आर्ट ऑफ क्वेश्चन सोल्विंग, इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, याद रखिए, ये जो एग्जाम है ये ज़्यादा इस बारे में है कि आपकी स्पीड कितनी है, क्वेश्चंस को डिकोड करने की क्षमता कितनी है, कला कैसी है आपकी, आर्ट कैसा है आपका क्वेश्चंस को सोल्व करने का। नॉलेज आपकी जितनी बाकी लोगों की है वो हो चुकी है, इस बहम में से निकल जाइए, उसने ये किताब पढ़ी है, उसने फलानी किताब पढ़ी है। अगर आपने एक एक स्टैंडर्ड किताब भी पढ़ी है एक टॉपिक के ऊपर, सो मोर देन इनफ आपके लिए, एक, क्योंकि आपकी फाउंडेशन बन गई है, ओके। सो टाइम टेबल आपका क्या हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए आप रात को 10-11 बजे के आसपास सोते हैं, सुबह 5 या 6 बजे के आसपास उठते हैं, 2 घंटे आपके डेली जो रिचुअल्स होते हैं डेली चोर्स में आपके चले जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका नहाना, मेडिटेशन, वर्कआउट, खाना, ब्रेकफास्ट वगैरह इनमें। उसके बाद आप 1 से 2 घंटे रिवाइज करेंगे, फिर आप 9-9:30 बजे के आसपास अपना एक टेस्ट देंगे जीएस का,
वो टेस्ट देने के बाद उसको एनालाइज करेंगे एक डेढ़ घंटे, आधा घंटा बीच में ब्रेक लेके, फिर एक आप ब्रेक ले सकते हैं 10-15 मिनट का, आधे घंटे का, उसके बाद रिवीजन कर सकते हैं अगर टाइम बचा है, वरना ढाई अगर आपके बच चुके हैं 2 से 2.5 तो आप क्या करेंगे, सी सेट का पेपर या दूसरा जीएस का पेपर आप यहाँ पे देंगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे। करीब करीब आपका यहाँ पे हो गया एनालाइज करने का 1 घंटा, 5 से 6 आपके शाम के बच चुके होंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अपना फूड खा के रिलैक्स करके और फिर 3 से 4 घंटे आप रिवाइज करके 10-11 बजे रात को सो जाएंगे। इसमें आपको देखने को मिला कि आपके 6 से 7 घंटे क्वेश्चंस को पेपर को सोल्व करने में और एनालाइज करने और हाईलाइट करने में गए, 5 घंटे करीब करीब आपके रिविजन में गए, तो टोटली आपने जो 10-12 घंटे ये काम किया है अगर आप देखेंगे इसको ऑल ओवर, तो ये सारा रिविजन ही तो है। क्वेश्चंस आपने जो सोल्व किए वो भी रिविजन ही था, आपने जो सॉल्यूशन उसके देखे वो भी रिवीजन था, और जो प्रॉपर रिवीजन किया 4-5 घंटे का वो भी आपका रिवीजन ही था। अब काफ़ी सारे बच्चे सोचेंगे कि सर हम तो जॉब पे जाते हैं या बिजी हैं, इतने ज़्यादा हम क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व करें, डेली 10-12 घंटे नहीं लगा सकते। कोई बात नहीं, आप डेली 1 पेपर सोल्व कीजिए, वो भी आपके लिए प्रॉपर काम करेगा। डेली 1 पेपर तो कम से कम आप सोल्व करना शुरू कर दीजिए, तो आप मान के चलिए 8 से 10 हज़ार क्वेश्चन आपके भी सोल्व हो जाएंगे, वो भी प्रॉपर आपके लिए काम कर जाएगा। संडे को अगर आपको ज़्यादा टाइम मिले तो आप 1 की जगह 2 या 3 क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लीजिए। तो आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ये कोई एकदम हार्ड स्ट्रेटजी नहीं है, हार्ड लाइन नहीं है कि आपको इसी पे चलना है, ये मैंने आपको समझा दिया है आपको करना क्या है, आप इसको एज इट इज़ भी फॉलो कर सकते हैं और आप इसमें थोड़ी वेरिएशन अपनी सिचुएशन के हिसाब से लाके उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको अगर ऐसी कोई वीडियो चाहिए कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करते हैं, सो कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, तो उससे मेरे को पता चलेगा आप क्या चाह रहे हैं और क्या मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।